वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आसा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाक्य विचार। आपके पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था विकारी अथवा अविकारी शब्दों के उदाहरण सहित लिखिए, प्रकार उदाहरण सहित लिखने थे आपको। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आप अपनी बुक में देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों के प्रकार उदाहरण सहित। आपके पेज नंबर 14 पर विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये उन के उदाहरण है। तो 4 क्वेश्चन का आपका आंसर ये है, और अविकारी शब्दों के प्रकार आपके ये दिए गए हैं। अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के ये उदाहरण दिए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के ये आपके उदाहरण हैं। 4 का आपका ये है। इस तरह से आपका 3rd चैप्टर समाप्त होता है, और अब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम देखते हैं वाक्य विचार क्या है। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। संगीता चाय पी रही है, ये आपके 4 उदाहरण दिए गए। इन वाक्यों में अनेक शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य है। ये आपस में मिलकर पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। इसमें उद्देश्य है राम, और राम के ही बारे में कहा जा रहा है रावण को मारा, विधेय है रावण को मारा। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य। साधारण वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन है हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं। नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो उन्हें नकारात्मक शब्द कहते हैं, जैसे छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे क्या आपकी बहन बीमार है। आज्ञार्थक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का बोध होता है उन्हें आज्ञावार्थक वाक्य कहते हैं। अब ये आपके बुक से संबंधित एक्सरसाइज है, जिन्हें आप स्वयं कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी बुक्स प्राप्त कर ली होंगी, इसलिए आप बुक के चैप्टर को आप पढ़िए और बुक के एक्सरसाइज को स्वयं फिल कीजिए। अब आपके बुक से संबंधित प्रश्न उत्तरों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप तब तक आप अपने इस चैप्टर को पढ़िए और बुक से संबंधित एक्सरसाइज को फिल कीजिए। धन्यवाद।